माँ बाप की बेटी की शादी हो, उन माँ बाप को चाहिए कि वो शादी वाले दिन बेटी को ब्यूटी पार्लर के बजाय शिव मंदिर में गौरी पूजन के लिए भेजे। ब्यूटी पार्लर जाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। शादी से पहले कन्या के लिए गौरी पूजन शुभ होता है। सीता माता और रुक्मणी जी ने विवाह से पूर्व गौरी पूजन ही किया था। ये बातें राधेश्याम व्यास ने होटल ड्राइव इन 24 में श्री शिव महापुराण कथा का रसपान कराते हुए भक्तों से कही। राधेश्याम व्यास ने कहा कि बिना शिवलिंग की पूजा के शिव कृपा के पात्र नहीं बन सकते। कलयुग में शिवलिंग से बड़ी किसी की पूजा नहीं है। इस पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बिना शिव की पूजा के सभी देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। उन्होंने आगे कहा कि शिवलिंग 5 प्रकार के होते हैं। 5 शिवलिंग का विस्तृत वर्णन करते हुए महाराज श्री ने सुनाया कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने इस जमीन खोद कर शिवलिंग की स्थापना की। फिर शिवलिंग की पूजा करते हुए सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की थी। अनेकों वर्षों बाद खुदाई के दौरान जो शिवलिंग भूमि से प्राप्त हो रहे हैं, वे स्वयं भू शिवलिंग होते हैं। जो शिवलिंग चौकी पर कैलेंडर पर चित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो बिंदु शिवलिंग होता है। मंदिर के कारीगर द्वारा तैयार किए गए शिवलिंग की भावनाओं के माध्यम से महापुरुषों के सानिध्य में मंदिर में जब विधिवत स्थापना की जाती है तो वो प्रतिष्ठित शिवलिंग कहलाता है। जैसे शिवलिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूजा की जाए या फिर पूजा के बाद बैग में रख लिया जाए, वो चल शिवलिंग होता है। गुरु शिवलिंग के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कहा कि आपने जिस गुरु या संत से दीक्षा ली है, उन गुरु महाराज के सीधे पांव के अंगूठे का निचला हिस्सा गुरु शिवलिंग कहलाता है। राधेश्याम व्यास ने अंत में कहा कि महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं। केवल यहाँ एक बात समझा देना चाहता, शिवलिंग को कभी भी तुलसी के गमले के पास भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी को कभी जिस दिशा में सूर्य उदय होता है उस दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, और जिस दिशा में भगवान शिव निवास करते हैं उस दिशा में भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। सूर्य भगवान कौन सी दिशा में उदय होते, जोर से बोलो, और शंकर भगवान की कौन सी दिशा है? ईशान दिशा है। उत्तर और पूर्व के बीच का जो भाग है उसको ईशान दिशा कहते हैं। इस दिशा में शिव जी का निवास है। बताऊंगा मैं आपको आगे की कथा में, हर चीज बताकर जाऊंगा, समझाकर जाऊंगा।